नमस्कार, मैं संतोष और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं। पश्चिमी चंपारण से पूर्वी चंपारण होते हुए शिवहर पहुंचने के बाद आज से जातीय जनगणना करने की शुरुआत कर चुके हैं। अगले 15 दिनों तक सभी मकानों का संख्या दिया जाएगा। इसके लिए वार्ड स्तर की नजरी नक्शा तैयार किया जाएगा। वार्ड के आधार पर सभी परिवार के सदस्यों की गिनती की जाएगी। यह कार्य करने के लिए एक वार्ड में 2 प्रांगणक बहाल किए गए हैं। एक प्रांगणक को 150 घरों की गिनती करनी है। साथ ही सभी मकानों पर मकान संख्या भी चढ़ाई जाएंगी। बाद में घरों के नंबर संबंधित अस्थाई पते के रूप में जाने जाएंगे। इस प्रक्रिया को इस माह के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जातीय जनगणना आधारित प्रांगणक को 10 तरह की जानकारियां भरनी है। 10वें खंड में घर के मुखिया का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। जातीय जनगणना के दौरान अगर आपके यहाँ प्रांगणक पहुँचते हैं तो फॉर्म भरा जाएगा जिसमें 10 तरह की जानकारियां भरी जानी है। उसे ध्यान से भरे और जैसा कि बताया गया है कि मकान संख्या के आधार पर अस्थाई पते से उस व्यक्ति की पहचान होगी। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका पता कहीं और का है और रहते कहीं और है, तो उस स्थिति में आप अपने दस्तावेजों को सही करा लें ताकि बिहार सरकार के द्वारा होने वाली जातीय जनगणना में आपको किसी तरह की परेशानियां नहीं आए। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।